हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वकार अहमद एंड यू वाचिंग TW इंफॉर्मेशन। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। गाइस, आज 1 जून है, टाइम इस वक्त 5:05 हो चुके हैं। मैंने तो 6 बजे दूर में जाना था, लेकिन मुझे एक लोकल राइड आ गई है जिनको मैंने सियालकोट कैंट में ड्रॉप करना है। इधर करीब से ही मैंने उनको पिक करना है और सियालकोट कैंट में ड्रॉप करना है। गाइस, उनको ड्रॉप करते हैं और उसके बाद जून में चलेंगे और जून में जाकर देखेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम लोको राइड की तरफ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें और आपको अपने बेशुमार हज़ारों में से लातदार इसके हलाल अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम आने वाली वीडियोज़ उनको बर वक्त मसूल होती रहें। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। जितना भी वर्तमान हमारे पास फर्स्ट राइड आ चुकी है, टाइम इस वक्त 5:04 हो गए हैं। इनको हमने तहसील बाज़ार से पिक करना है और सियालकोट कैंट में ड्रॉप करना है। इनके पिकअप लोकेशन 1.4 किलोमीटर एंड 5 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। सिंधबाद पार्क है ये। जितना भी वर्तमान पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, टाइम इस वक्त 5:11 हो गए हैं। इनकी ड्रॉप अप लोकेशन 5.4 किलोमीटर एंड 15 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। बाटा जी, तो भी राइड को कर दिया ड्रॉप। टाइम इस वक्त 5:26 हो गए हैं, कम्प्लीट द राइड। इस वक्त हम सियालकोट वी मॉल में मौजूद हैं, गालिब रोड वी मॉल सियालकोट। अलफतेह ये तो अभी बरदामा कंटोनमेंट प्लाजा में पहुंच चुके हैं। यहाँ से पसेंजर की क्लासेस पिक करनी है। अकील आपकी गलती है सामने है, यहाँ से पसेंजर की क्लासेस पिक करते हैं और वो हम पास ही रखेंगे। जब शाम में हम जुम से वापस जाएंगे उस वक्त तो पसेंजर को देंगे यार। ये अकील आप टिकल पहुँच गए। ये तो वीवर्स गलास पिक कर लिए हैं और ये अब हम पास ही रखेंगे। घर जाते हुए हम रास्ते में इनको ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि ये हमें आज कितना फेर देते हैं। 5 मिनट्स लेटर ये तो वीवर्स हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है। टाइम इस वक्त 6:19 हो गए हैं। इनको हमने सियालकोट बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर से पिक करना है और कायदे आदम स्कूल में इस्लामाबाद मोहल्ला में ड्रॉप करना है। इनके पिकअप लोकेशन 2.2 किलोमीटर एंड 6 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। जी तो वीवर राइड को कर दिया ड्रॉप। टाइम इस वक्त 6:37 हो गए हैं, कंप्लीट द राइड। इन भाई साहब ने मुझे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं। भैया आपके साथ लव यू हो गया यार। कहाँ हो ऐसे लोग, आओ ना खुशबू लगा के। तो भी वर्धा हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है। टाइम इस वक्त 6:38 हो गए हैं। इनको हमने रंगपुरा से पिक करना है और लालपुरा में ड्रॉप करना है। इनके पिकअप लोकेशन 850 मीटर एंड 4 मिनट। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। इधर भी बरदाम पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टाइम इस वक्त 6:44 हो गए हैं। इनकी ड्रॉप अप लोकेशन 270 मीटर एंड 2 मिनट। सो लेट्स गो। ये तो वीवर राइड को कर दिया कम्प्लीट। टाइम इस वक्त 6:53 हो चुके हैं। इन भाई साहब ने हमारे साथ 2-3 जगह पे जाना है और फिर ये देखते हैं कि हमें कितना फेर देते हैं। कम्प्लीट द राइड। भाई साहब बनर गए हैं ATM यूज़ करने और आते हैं तो इनको जहाँ पे भी इन्होंने जाना है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे।
जी तो अभी वरदेन भाई साहब को मैंने वापस ड्रॉप कर दिया, इन्होंने मार्केट तक जाना था और कुछ सामान पिक करना था, वो सामान पिक करके वापस घर आ चुके हैं। इन्होंने मुझे 350 रुपीज़ पे किए हैं। सो गाइज़ इनका टोटल फेयर 107 था, जबकि इन्होंने 240 एक्स्ट्रा पे किए हैं। और अब हम नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। टाइम इस वक्त 7:50 हो गए हैं। जी तो अभी फिर हमारे पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है। टाइम इस वक्त 8:02 हो गए हैं। इनको हमने इस्लाम सेंटर हॉस्पिटल से पिक करना है और रंगपुरा में ड्रॉप करना है। इनकी पिकअप लोकेशन 400 मीटर एंड 2 मिनट सोलर स्कोप फ्रंट। तो अभी बस हम पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टाइम इस वक्त 8:04 हो गए हैं। इनकी ड्रॉप अप लोकेशन 1.9 किलोमीटर एंड 7 मिनट सोलर स्कोप फ्रंट। ये तो अभी राइट को कर दिया ड्रॉप। टाइम इस वक्त 8:11 हो गए हैं, कंप्लीट द राइट। और अब हम नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। ये तो अभी 8:42 हो चुके हैं। अब हम ग्लासेस ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि वो आज हमें कितना फेयर देते हैं। ये तो अभी ग्लासेस ड्रॉप करती हैं। टाइम इस वक्त 9:15 हो गए हैं। अब हम घर चलते हैं और घर जाकर देखते हैं कि आज हमने क्या खोया क्या पाया। जी तो व्यूअर्स घर आ चुका हूँ। टाइम इस वक्त 9:40 हो चुके हैं। आज मैं 5 बजे घर से निकला था और 9:30 वापस आया हूँ। इस 4.5 घंटे के अंदर मैंने कितनी अर्निंग की है ये जानने के लिए हम मूव करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। इंटर ऐप को कर लिया ऑन। इंटर ऐप के मुताबिक आज हमने टोटल अर्निंग की है 490 रुपीज़ की। आज 1 जून से हमें इंटर ऐप के मुताबिक टोटल फेयर मिला है 544 रुपीज़ का। इसमें से इंटर ऐप ने अपनी कमीशन काटी है। इंटर ऐप की कमीशन 53 रुपीज़ है। सो गाइस इंटर ऐप ने अपनी कमीशन काट कर हमें 490 रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी पे किया गया है। वो जानने के लिए हम अपनी हिस्ट्री ओपन करते हैं। मुझे लास्ट राइड ने 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं और मुझे इस राइड ने भी 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं। जबकि हमारे पास ये वाली राइड थी, इन्होंने हमारे साथ मार्केट विजिट की है, कुछ काम था इनको, कुछ टाइम भी लगा। सो गाइस इन्होंने मुझे 240 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं। और हमारे पास एक प्राइवेट राइड भी थी, इन्होंने मुझे 350 रुपीज़ पे की है। सो गाइस आप मुझे कैलकुलेटर में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। कैलकुलेटर को कर लेते हैं ऑन। 490 + 40 + 40 + 240, इसमें हम लोकल राइड के भी पैसे ऐड करते हैं 350। अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम अच्छा हो गया। आज की हमारी टोटल अर्निंग हुई है 1160 रुपीज़ की। इसमें से हम माइनस करते हैं पेट्रोल लगा है 300 का। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी टोटल अर्निंग हुई है 860 रुपीज़ की। आप जानते हैं कि पेट्रोल कम हो गया, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि भले भले ही हो जाए। खैर इंशाल्लाह ताला मजीद सस्ता होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल नहीं हारना है। पेट्रोल लाजमी सस्ता होगा, चाहे वो 1 रुपया हो या चाहे वो 10 रुपये हो। TW इन्फॉर्मेशन का आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।